हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान, और उसमें अध्याय 9 चल रहा है हमारा, और उसमें आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आज की क्लास में प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे भी। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या परिभाषा है प्रकाश के अपवर्तन की? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किरण का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना यानी हट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे कि चित्र ए में प्रकाश किरण है, ये एक माध्यम यानी वायु विरल माध्यम, वायु यानी विरल माध्यम से जा रही है, और ये जैसे ही दूसरा माध्यम यानी कांच, ये सब सघन माध्यम कह रहे हैं आई, तो ये अपने मार्ग से, ये सीधी रेखा में आनी थी लेकिन अपने मार्ग से हट गई यानी अभिलंब की ओर झुक गई, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम जैसे वायु से कांच में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुकती है चित्र ए में दिखाया गया है। अब देखिए, ये हमारा वायु है यानी विरल माध्यम, और नीचे हमने दूसरा माध्यम लिया है कांच, जिसको हम सघन माध्यम कह रहे हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से दूसरे माध्यम कांच में आई तो ये अपने मार्ग से हट गई और अभिलंब जो है ये इसकी ओर झुक गई है। ऐसे ही यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम जैसे कांच से वायु में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। चित्र बी में दिखाया गया है। अब देखिए, यदि हम प्रकाश किरण को कांच से, जिसे हम सघन माध्यम कह रहे हैं, कांच से विरल माध्यम यानी वायु में भेजें
तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। आगे टॉपिक है हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए बहुत ही मोस्ट सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। यानी प्रथम नियम या पहला नियम भी कह सकते हैं हम, कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है हमारा कि आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम या द्वितीय नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। अब यहां से एक बात निकल कर आती है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए इस प्रश्न से दो बातें हमें सीखने को मिलेगा। प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, तो हमें ये दोनों नियम लिखने हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि प्रकाश के
अपवर्तन का स्नेल संबंधी नियम लिखिए, तो आप केवल दूसरा नियम लिखेंगे यहां पर। जब प्रश्न कहेगा कि प्रकाश का स्नेल संबंधी नियम लिखिए, तो दूसरा प्रश्न लिखना है, और जब कहे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, तो आपको दोनों प्रश्न लिखने होंगे। इस नियतांक को, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, आगे टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में हमें संबंध बतलाना है। तो क्या होता है, यानी अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, व उस माध्यम में, प्रकाश की चाल, के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक या अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, इसको हम प्रदर्शित करेंगे C से, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, उसको हम बी से प्रदर्शित करेंगे। तो यह एन बराबर आ गया सी अपॉन बी, ये हमारा संबंध है। आगे टॉपिक है हमारा क्रांति कोण। देखिए क्रांति कोण किसे कहते हैं, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम माना कांच से विरल माध्यम माना वायु में जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रकाश किरण जो है कांच यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी वायु में जा रही है, तो अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई से अधिक होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब यदि आपतन कोण का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, ये जो आपतन कोण है आई, इसका मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे,
तो अपवर्तन कोण आर भी बढ़ता जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को क्रांति कोण कहते हैं और इसे शीर्ष से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चित्र दूसरे यानी बी में दिखाया गया है कि यदि हम आपतन कोण आई को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ता चला जाएगा और एक विशेष स्थिति में ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और इसी 90 अंश को हम क्या बोल रहे हैं, क्रांति कोण कहते हैं। आगे टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध, ये भी अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए करते हैं क्या संबंध होता है इनके बीच में। यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम को क्रमशः, यानी विरल माध्यम को हम एक तथा सघन माध्यम को दो से प्रदर्शित करें, प्रदर्शित करें तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम था कि सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर ये था। इसे हम लिखेंगे, यानी सघन माध्यम को हमने दो से प्रदर्शित किया तो दो अपवर्तनांक, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम को हम दो से प्रदर्शित कर रहे हैं, विरल माध्यम को एक से, बराबर ये था साइन आई बटे साइन आर। अब माना यदि जो हमारा ये आई है कोण, आपतन कोण आई को हम क्रांति कोण सी तथा आर को हम 90 माने क्रांति कोण की परिभाषा से, तो यह मान रखेंगे, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आई के स्थान पर हमें क्रांति कोण सी रखना, तो हो जाएगा साइन सी बटे साइन आर, आर की जगह हमें 90 रखना है, यानी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, एक होता है, तो यह आ जाएगा साइन सी बटा एक, एक छिप जाएगा। अब देखिए सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, यदि इसको अब हम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक लिखें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसका अपोजिट यानी ये उल्टा है। अब इसका मान कितना है, साइन सी, तो साइन सी बराबर एक बटा सघन माध्यम के विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको साइन सी के स्थान पर रख सकते हैं, इसको हम साइन सी के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा एक बटा साइन सी, यही हमारा संबंध हो जाएगा। आगे टॉपिक है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है कि जब प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, यानी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण से अधिक कर दिया जाए,
तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये टॉपिक है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अति आवश्यक है। नंबर दो, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, यानी आई का मान बड़ा होना चाहिए क्रांति कोण सी से। यानी दो, ये हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्तें हैं कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अति आवश्यक है और आपतन कोण आई का जो मान है वो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए।